हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2 करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए सीखते हैं, एंजॉय द वीडियो। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। ठीक है बच्चों, तो चलिए 5.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और यहां पर ए एन दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो एक नंबर को देखते हैं, यहां 7 दिया गया है, यहां 3 दिया गया है, यहां 8 दिया गया है, यहां पर आपका ब्लैंक है, मतलब क्या होगा वो भरना है। सेकेंड नंबर में है 18, ब्लैंक है, यहां पर यहाँ 10 है, यहाँ पर 0 है। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था ए एन का फॉर्मूला एपी में होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एन टर्म ऑफ एन एपी, यही एपी का एनवा टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, ए एन देखिए हमें फाइंड करना है, तो पहला बता रहे हैं ए कितना दिया है 7, खाली फॉर्मूला में पुट करना आपको ए कितना, एन कितना बच्चों 8 और डी कितना बच्चों 3, तो ये 7 हो गया, 8 माइनस 1 हो गया 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 हो गया आपका 21, 21 और 7 कितना हुआ 28, ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो, डू नॉट डाउन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सारे सवाल के लिए 5.2 में यही फॉर्मूला लागू होगा। तो देखिए बच्चों, ए एन का वैल्यू क्या दिया गया है 0, ए कितना दिया गया है माइनस 18, एन का वैल्यू क्या दिया है 10 माइनस 1 इंटू डी, तो 0 हो गया माइनस 18, 10 माइनस 1 हो गया 9 डी, माइनस 18 को इधर ले आए बच्चों तो हो गया प्लस 18 इक्वल टू 9 डी, देयर फोर डी इक्वल टू 18 बाय 9, 9 टू 18। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने डी निकाल लिया। ठीक है, 2, 1, 2 ऑफ हो गया। अब एक में जितना बचा हुआ है आप इसी फॉर्मूला में बैठा के बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 दिया गया बच्चों एपी 10, 7, 4... निकालना है 30th टर्म, और तीसवां पद क्या होगा, तीसवां पद क्या होगा, गौर कीजिए, ए कितना दिया 10, डी निकाल लीजिए बच्चों 7 माइनस 10 हो गया -3, और आपका तीसवां पद कह रहा मैंने एन आपका हो गया 30, एन क्या होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वांतर, और ए क्या होता है बच्चों फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। तो चूंकि फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का वैल्यू कितना बच्चों 10, एन माइनस वन 30 माइनस 1 और डी कितना बच्चों -3, तो 30 माइनस 1 हो गया 29 गुना -3, ये 10 हो गया उन प्लस, और देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो गया 29 को 3 से इंटू करेंगे तो 29 का कितना होता है 87, तो आपका हो गया बच्चों 77। दिस इज योर आंसर विच मीन्स 30th टर्म इज 77। सो ये बच्चों चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 2 नंबर आप खुद कर दीजिएगा, सब सेम सवाल है। आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, देखिए 2 दिया है, यहाँ ब्लैंक है बच्चों, यहाँ कितना है 26 है, तो जहाँ ब्लैंक है वहाँ एक्स भर देना है आपको। ठीक है, तो एपी का खासियत क्या था कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को मालूम माइनस करें, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करें, दोनों क्या होता है कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, ये आपका एपी में गिवन है। तो इन एपी क्या था बच्चों T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू तीसरा पद माइनस दूसरा पद इन एपी, ये आपका एपी का प्रॉपर्टी है। तो T2 यानी कि सेकंड टर्म x है, T1 फर्स्ट टर्म 2 है, T3
थर्ड टर्म कितना 26, सेकंड टर्म कितना x है, तो आपका हो गया बच्चों ये x माइनस टू, एक्स इधर आइए आपका हो गया प्लस x, ये क्या बचा 26, x और x जोड़ दीजिए क्या हो गया 2x, 26 हो गया बच्चों, माइनस टू इधर आया क्या हो गया प्लस टू, तो आपका हो गया 2x, 26 और 2 क्या हो 28, therefore x बराबर 28 by 2 कितना हो गया 14, ठीक है बच्चों, तो ब्लैंक में क्या भरा जाएगा बच्चों x के यहाँ पर 14 पुट हो जाएगा, समझ गए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और बताते बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 का 4 नंबर में माइनस 4 है, यहाँ ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, उसके बाद 6 है, तो गौर कीजिएगा बच्चों ध्यान दीजिए, तो देखिए इसको मानते हैं x, इसको y, इसको z, इसको a, कुछ मान लिया बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो टोटल देखिए फर्स्ट टर्म क्या दिया है, पहला टर्म दिया आपका माइनस 4 और लास्ट में 6 है, उसे हम कहते हैं ए एन एंड टर्म, लास्ट वाला क्या कहते हैं बच्चों ए एन, अब एन कितना गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गया, 4 घर ब्लैंक था, 2 को दिया था, 4 को कितना हो गया 6 को हो गया, अब ध्यान दीजिए बच्चों ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना दिया है 6, ए कितना है माइनस 4, एन देख लीजिए 6 माइनस वन इंटू डी, ये 6 आपका ए एन हो गया, अब ये 6 मान समझिए यही 6 लिखे हैं, गिन के लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, अगर 7 होता तो यहाँ 7 लिखा था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, डोंट बी कंफ्यूज, ध्यान दीजिएगा 6 माइनस 1 हो गया 5d, ये आपका हो गया 10 इक्वल टू 5d, देयरफॉर d इक्वल टू 10 बाय 5, यानी क्या हो गया 2, तो बच्चों d का मान क्या निकल गया 2, अब देखिए d निकल गया, ध्यान रखिएगा d का मान क्या निकला है 2 निकला है, अब देखिए जब d का मान मालूम हो गया तो x ये सेकंड टर्म है, तो बताएं थे फॉर्मूला x सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a का मान कितना है माइनस 4 और d क्या निकला 2, माइनस 4 और 2 क्या हो गया माइनस 2, एक आंसर ये हो गया यहाँ माइनस 2 घर आएगा, y हो जाएगा आपका a प्लस 2d, a प्लस 2d, ये कितना है बच्चों माइनस 4, ये 2 लिख दिए, d का मान क्या था 2 था, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, ये 2 दूनी 4 हुआ माइनस 4 क्या बच गया 0, z आपका आ जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d, ये कितना बच्चों आपका ये है माइनस 4 प्लस 3 और d का मान कितना था 2, 3 दूनी 6, 6 में जाएगा 4 क्या जाएगा 2, और लास्ट में आपका a है बच्चों, तो a का मान जाएगा a प्लस 4d, a कितना माइनस 4 4 और d का मान क्या है बच्चों आपका 2 है, 4 दूनी 8, 8 में गया 2 क्या बचा 4 बचा, तो बच्चों आपका सारा मान निकल गया, x हो गया माइनस 2, y हो गया 0, z हो गया 2 और a हो गया 4, दी जा The answers to find the blanks, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी, आप उसमें आते हैं 4 नंबर पर, एपी क्या है बच्चों 3 8 13 18 डॉट डॉट विच टर्म विल बी 78, ये बच्चों दिया बच्चों, तो कह रहा कौन सा पद 78 होगा, तो ए का मान 3 हो गया बच्चों और डी घटा के देख लीजिए 8 - 3 - 5 हो गया, और ए एन क्या दिया बच्चों 78 दिया है, ए एन क्या होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 78, ए कितना बच्चों 3 एन माइनस वन और डी कितना है आपका 5 बराबर 78, 5 को n से 5n माइनस 5 बराबर 78, ये 5n को उतार लेना है 3 में जाएगा 5 हो गया माइनस 2 बराबर 78, ध्यान दे बच्चों इसलिए 5n इक्वल टू 78 प्लस 2 इसलिए 5n इक्वल टू हो गया आपका 80, देयरफॉर आपका n हो जाएगा 80 बाय 5, 16 × 5 = 80, n का मान क्या है बच्चों 16 हो गया, मतलब 16वां पद जो होगा आपका 78 होगा, समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा,
फाइव का वन नंबर, फाइव का वन और फोर सेम क्वेश्चन है, चलिए फिर भी करते हैं। सेवन थर्टीन नाइनटीन डॉट 205। तो बच्चों गौर कीजिएगा, ए कितना है, सेवन, डी निकालना है आपका, तो 13 माइनस सेवन क्या हो गया आपका, सिक्स हो गया, और लास्ट टर्म क्या दिया 205, तो ए एन का वैल्यू बच्चों 205। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 205। तो ध्यान दीजिएगा आपका ए हो गया सेवन एन माइनस वन और डी कितना बच्चों सिक्स बराबर 205। तो ध्यान दीजिएगा, तो सेवन सिक्स को एन से, सिक्स एन माइनस सिक्स बराबर 205, तो इस सिक्स एन लिख दिए, सेवन में चला गया सिक्स, तो क्या बचा प्लस वन बचेगा, है ना, तो आपका हो गया सिक्स एन बराबर कितना है 205, प्लस एक को इधर ले आना क्या हो गया माइनस एक हो गया, ध्यान दीजिएगा सिक्स एन बराबर 204, therefore n बराबर 204/6, तो 6 3 18, दो बचा 6 4 24, n कितना हो गया बच्चों आपका 34 आपका हो गया, 6 18 दो बचा 6 24, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गौर से सीखते जाइएगा, बस इस चैप्टर में फॉर्मूला खाली आपको याद रखना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कह रहा है इज एपी, इज एपी 11 8 5, 11 8 5 डॉट डॉट हैज ए टर्म माइनस 150। पूछ रहा है क्या इसका टर्म 150 हो सकता है या नहीं, चेक कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ए कितना है 11, डी निकाल लीजिए 8 में से घटा दीजिए 11, 8 माइनस 11 हो गया माइनस 3, गौर कीजिए बच्चों, और ए एन आपका दिया है माइनस 150। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर माइनस 150। ए कितना है 11, एन माइनस वन और डी कितना है माइनस 3 बराबर माइनस 150, माइनस 150, तो 3 को n से, 3n प्लस 3 बराबर हो गया आपका माइनस 150, तो 11 और 3 हो गया बच्चों 14 प्लस 3n बराबर माइनस 150, देयरफॉर 3n बराबर माइनस 150 और माइनस 14, 14 को उधर लगे माइनस हो गया, ये 14 ध्यान दीजिएगा 3n बराबर माइनस 164, 150 और 14 हो गया 164, इसलिए n क्या है बच्चों माइनस 164/3, तो 3 5 15, तो ये कटेगा नहीं, ध्यान दीजिए ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, यदि n का मान पूरा पूरी नहीं कटे, जैसे फुल कटता है n 20 आता 40 आता 50 आता 10 आता 2 आता, तो यस n इज पॉसिबल, क्योंकि n जब भी होगा पूरा पूरी होगा, पॉइंट में नहीं आएगा ना ही बाय के रूप में आएगा, क्योंकि ये काटने पर पॉइंट के रूप में आ जाएगा, इसलिए आपका माइनस 150 इज नॉट अ टर्म, समझे बच्चों, इसलिए आपको लिखना है नो ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करा दिया, आप लोग 1 से लेकर 6 तक बढ़िया से कीजिए, उसके बाद 7 से लेकर अगले क्वेश्चन तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय बाय।